ये तो मारने आ रहा है। हेलो दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम काफ़ी दूर आए हैं, जो कि मम्मी के ननिहाल कुछ काम था तो उस वजह से हम आए हैं। अभी हम रामनगर से कम 5 एक्चुअली हम सुबह निकल चुके थे, काफ़ी 7:30 बजे के टाइम, अभी हम लोग आधे रास्ते नहीं पहुँचे हैं। यहाँ से कम 6-7 किलोमीटर और रह गया है। और आई का दोस्तों, हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर। हमें इस रास्ते वो नीचे गाँव जाना है। और ये रहा यहाँ का दृश्य, बड़े बड़े पहाड़। और ये रही मेरी स्कूटी। और हम इस रास्ते से आए हैं, वो पहाड़ से, इधर से वो उधर से, उसके पीछे। तो अब हम चलते हैं। वेल, काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है यार, इधर तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्र है ये, बहुत ही दुर्गम है। सबसे बड़ी बात यहाँ की, यहाँ का जो आने का पर्पज़ है, एक्चुअली यहाँ पूजा देनी थी हम लोग को। सो मम्मी और मैं और पापा भी आए हैं, पर मैं सिर्फ एक बार आया था। मेरी बहुत ज़्यादा ठंडा भी होता है। और अभी आते टाइम दोस्तों हमें चीता मिला था रास्ते में, तो हमने वहाँ स्कूटी वगैरह एक्चुअली में कैप्चर तो कर नहीं पाया। और हम लोग को डर भी लगने लगा था कि कहीं ये कुछ कर ना दे, तो वो हमें देख के वापस वो चला गया। तो डर है वैसे जंगली जानवरों की, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली इन चीज़ों की ये तो आम बात है कि यहाँ देखी ज़्यादा मम्मी पापा लोग हो जा रहे हैं सामने। बस हमें यहाँ पूजा देनी है, पहले हम लोग यहाँ इंतज़ाम करने जा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो मैं तो काफ़ी टाइम बाद इधर आ रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, अच्छा घाम लग रहा है। संडे का मज़ा कुछ इस तरह। हम लोग सुबह ही निकल चुके थे, मैं भी 7-8 बजे। और बस थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं नीचे गांव की तरफ। डंगर मिट्टी, ये तो मारने आ रहा है। हम काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं, तो लोगों से एड्रेस पूछ रहे हैं। हेलो बच्चे, ये देखिए अब हरी सब्जियां, धनिया खुशबू है ना भाई, इससे नमक भी अच्छा बनता है ना। वेल, ये है लहसुन, से बनाया था नमक और चटनी। इधर का मौसम भी बिगड़ता जा रहा है, बस कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से निकलना भी है। ये कड़ी में भी डालने के ऊपर, जैसे कड़ी में भी डाला जाता है ऐसे, जैसे धनिया डाला जाता है, इसका स्वाद ही अलग होता है। ये देखो, ये रहे केले। अब देखिए, ये रहे केले।
रखेंगे तो आएंगे ज़रूर, चलते हैं। तो दोस्तों जो भी था यही था, इन्हीं हाल है मामा का, तो बस काफ़ी घूम गया और वन डे का था ये, सिर्फ सुबह आया और अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो आगे फिर से मिलते हैं आप लोग नए ब्लॉग पर, तब तक ले बाय।